पहली बात तो ये कि श्रीराम लंका के शत्रु नहीं, रावण के शत्रु हैं। वो रावण जो इस समय एक प्रकार का देशद्रोही है, क्योंकि इस समय वो निजी काम की अग्नि में भड़का हुआ किसी का उपदेश ना मानकर धर्म नीति और मर्यादा को अपने अहंकार के पांव तले रोनता हुआ सारे देश को युद्ध की आंख में झोंक रहा है। इसलिए इस देश को बचाने के लिए रावण का अंत आवश्यक है। इसलिए दूसरा एक ही रास्ता है कि आप स्वयं श्री राम से मिलकर युद्ध का संचालन ऐसे करें जिसका लक्ष्य केवल उस आततायी रावण का अंत हो। इस समय यही आपका धर्म है। हे लंकापति, हर प्राणी का यह प्रथम धर्म है कि जब तक संसार में जिए स्वाभिमान के साथ जिए, क्योंकि स्वाभिमान के बिना जीने को जीना नहीं कहते, उससे तो मर जाना उत्तम है। दूसरी ओर नीति के अनुसार भरी सभा में किसी सम्मानित व्यक्ति को अपमानित करना उसे मृत्युदंड देने के बराबर है। अर्थात आज से हर प्रकार से मैं आपके लिए मर गया। आपका और मेरा कोई संबंध शेष नहीं रहा, अतः आपकी आज्ञा अनुसार मैं आज ही लंका छोड़कर कहीं और चला जाता हूं। भैया, वेद और पुराण ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि प्राणी के हृदय में रहते हैं। हर प्राणी अपनी अपनी इच्छा और कर्मानुसार दोनों में से एक का अनुसरण करता है। शास्त्र कहता है, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। सो भैया, सद्बुद्धि का आश्रय लीजिए। इस समय कुमति ने आपके मन पर प्रभाव डाल रखा है, सो आपको हित और हनित की पहचान नहीं हो रही है। मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। सीता जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उस पर आपकी प्रीति बढ़ रही है, और जो आपको विनाश के मार्ग पर बढ़ने से रोकते हैं। बस विभीषण, द्रोही हमारा खाता है और प्रीत करता है उन वनवासियों से, मूढ़ हमारे जिलाए जीता है और कामना करता है शत्रु के द्वारा हमारे विनाश की। धिक्कार है तुझ जैसे कुलद्रोही पर।